जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मशीन के साथ आपको एक क्लीनिंग ब्रश दी जाती है, जिसकी सहायता से आप काम हो जाने के पश्चात मशीन को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मशीन को स्टार्ट करके दिखाएंगे। मशीन को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। मशीन के मेन स्विच को ऑन कर लें और MCB स्विच की सहायता से मशीन को स्टार्ट कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको गेहूं की पिसाई करके दिखाएंगे। मटेरियल को होपर में डाल लें, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फीडर फ्लो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें और आपको जितनी बारीकी चाहिए मटेरियल की, उतनी अपने हिसाब से हैंडल को भी सेट कर लें। दोस्तों, अब मशीन को स्टार्ट कर लें। दोस्तों, आप देख सकते हैं मशीन स्टार्ट हो गई है। हमारा गेहूं पीसकर रेडी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से यह मशीन गेहूं की पिसाई करती है। दोस्तों, अब हम आपको धनिया की पिसाई करके दिखाएंगे। धनिया को होपर में डाल लें और मशीन को स्टार्ट कर दें। देख सकते हैं दोस्तों, धनिया की पिसाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, धनिया की पिसाई हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको केवल दो ही मटेरियल यानी कि गेहूं और धनिया पीसकर दिखाया, परंतु इसके अलावा आप इसमें जीरा, गोलमरीच, चावल इत्यादि बहुत ही आसानी से पीस सकते हैं। दोस्तों, काम हो जाने के पश्चात आप क्लीनिंग ब्रश की सहायता से मशीन को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।